नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है कुछ अपडेट लेकर आया हूँ जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान की बातचीत हो रही थी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे। देखिए दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपको अपडेट बताया था कि लगभग अग्रिम स्वीकृति इसके लिए हो गया है, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनके खाते में जो है पैसे आ रहे हैं। इसके लिए लगभग 29,95,00,000 रुपए जो है जिसका राशि अग्रिम तैयार करके रखा गया था। उसके अलावा 2 दिन पहले जो है कैबिनेट में ये अप्रूवल मिला है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ले सकते हैं। ये कैबिनेट अप्रूवल की स्वीकृति की कॉपी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 29,95,00,000 के अतिरिक्त जो है 60 करोड़ जो है रुपए की अग्रिम राशि का निकासी में की स्वीकृति मिल गई है। यानी कि जो भी किसान यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, यानी कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन किए होंगे, उन सबको जो है ये राशि मिलेंगे। तो इसीलिए जो है ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा अपडेट यह है कि एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गांव के जितने भी स्ट्रीट हैं यानी गली हैं उसमें सोलर लाइट लगाए जाएंगे और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इसके अंतर्गत ये बताया जा रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 1,09,647 वार्डो में लगभग 11,77,080 सोलर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन किया जाएगा। यानी कि हर वार्ड में जो है यहाँ पर लगभग बताया रहे हैं कि 10 जो है स्ट्रीट लाइट लग ही जाएंगे। तो ये योजना जो है वाकई में बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगर हर वार्ड में 10 अगर स्ट्रीट लाइट लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिहार राज्य में पूरे राज्य में जो है लाइट की कमी नहीं रहेंगे। यानी कि लाइट कटे या ना कटे इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है क्योंकि एक वार्ड में जो है 10 स्ट्रीट लाइट अगर लग जाएंगे तो वाकई में जो है कमाल हो जाएंगे। प्रति वार्ड में जो है 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें का स्थापन किया गया है। राज्य के सभी लगभग 8,061 पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों या स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, पंचायत, सरकार भवन, धार्मिक स्थल के अतिरिक्त जहां पर मान लीजिए सार्वजनिक काम हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो है लोग जहां पर बैठते उठते हैं तो वहां पर जो है लाइट का स्थापन किया जाएगा, वहां पर लाइट जो है लगाए जाएंगे। और जो अभी नए वार्ड जीते हुए हैं हो सकता है कि उन्हीं वार्डों को जो है एक जिम्मा दिया जाए, चाहे ये बताया जा रहा है कि ये लाइट लगाने के लिए जो है एक कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जिसमें वो 5 साल तक इसका देख रेख करेगी और वार्डो की निगरानी में रहेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा अपडेट यह है कि जो मत्स्य पालन करते हैं उनके लिए अपडेट है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुराने विधि से मत्स्य पालन करते हैं तो आधुनिकरण करने के लिए जो है उनको अपडेट करने के लिए जो है परीक्षण दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर अभी तक जो है ऑनलाइन आवेदन आप नहीं किए हैं और परीक्षण नहीं लिए हैं, अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो आपको ये आवेदन करके परीक्षण लेना ही चाहिए क्योंकि दोस्तों आधुनिकीकरण होने से आपका ये होगा कि आपका जो है लागत कम हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो है ये परीक्षण दिए जाते हैं। तो चयन हेतु पात्रता यहाँ पर दिया गया है जैसे निजी सरकारी जलकार तालाब में मत्स्य पालन करने वाले, मत्स्य कृषि, मछुआरा, मत्स्य पालन, मत्स्यिकी विकास के विभिन्न योजनाएं लागू आवेदक, मत्स्यिकी से जुड़े व्यवसाय, यानी कि जो मत्स्य यानी कि मछली पालन से जो जुड़े लोग हुए हैं चाहे जो है उनके लिए जो है योजना है वो जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए fisheries.bihar.government पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, वहां पर जाकर जो है आवेदन करें। ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं खुद जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताऊंगा, लेकिन ये अपडेट जो है आपके लिए काफी है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है आपका 18/10/2022 तक है और इस तिथि तक जो भी मछली पालन से जुड़े हैं अगर वो परीक्षण लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का छोटी सी अपडेट आपको बहुत काफी पसंद आए होंगे। अगर इसी तरह के अपडेट आप जानना चाहते हैं तो अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।